आज शुरुआत करेंगे आज एक ऐसे बाल गोपाल से जिनके उपलक्ष्य में आज पुण्य मनाया जाता है, आज का दिन रखा गया है। तो सभी समझ गए होंगे, सभी को बता दिए आज क्या है जन्माष्टमी। तो आज बात करेंगे ऐसे प्रेम अवतार, ऐसे प्रेम अवतार की जिनकी कहानियां जिनकी नटखटता हम सभी को सुनने के लिए मिलती है, और उनकी कहानियां बहुत सारी है, वो हम सभी धीरे धीरे भी रहते हैं, कभी कभी हमारे सामने आती रहती है। उनकी शरारतें, उनकी नटखटता, वो सभी हमें पता है। तो आज बात करेंगे ऐसे प्रेम अवतार की, श्री कृष्ण जी की, जिन्हें कान्हा के रूप में हम जानते हैं, जिन्होंने बचपन जिया वो ऐसा जिया कि हमारी जो माताएं होती है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन सभी को कान्हा कह करके पुकारती है। जिन्होंने जवानी जी तो माता कहती है कहां कन्हैया घूम रहा है, कहती है ना, जिन्होंने अपनी जवानी जी तो ऐसी जी कि जो माताएं हैं वो कहती है कि कहां कन्हैया बना घूम रहा है। तो आज बात करेंगे ऐसे प्रेम अवतार श्री कृष्ण जी की, उनकी कहानी आप सभी के सामने मैं रखना चाहूंगा, उनके कुछ पॉइंट्स, कुछ कहानियां, जिस तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया उनके बारे में पता होना चाहिए हमें। तो शुरू करते हैं उनकी नटखटता से, उनके बचपन से। उनका बचपन ऐसा रहा कि एक युक्ति के माध्यम से मैं आप सभी के सामने पेश करूंगा, अगर प्रेम ना होता जग में तो जग बंजारा सा होता, अगर प्रेम ना होता जग में तो जग बंजारा सा होता, अर्थात अगर इस दुनिया में प्यार ना होता, प्रेम ना होता तो जग खाली खाली होगा भी। तो आज शुरू करेंगे प्रेम अवतार श्री कृष्ण जी से। एक बार की बात है कि उनकी जो माता है मां यशोदा, उनके पास कुछ सखियां पहुंचती हैं, सखियां से मीन्स गोपिकाएं, कुछ गोपिकाएं पहुंचती हैं उनकी नटखटता को लेकर, उनकी शिकायत करने के लिए उनकी माँ के पास पहुंचती है, मां यशोदा के पास, और शिकायतें करती है उनकी। उनको इतना प्यार से देखा जाता था बचपन में कि उनसे जो वहां के ब्रजवासी थे वो मिलने को तरसते थे, मिलने को तरसने से मतलब देखने के लिए, उनके बचपन को, उनकी नटखटता को देखने के लिए वहां पर किसी ना किसी बहाने से पूछते थे। तो जो गोपिकाएं थी वो वहां पर जाती है, शिकायत लगाती है कि उन्होंने कान्हा जी ने उनका मक्खन खा लिया और शरारतें करते हैं, उनकी इतनी सारी नटखटताएं हैं, अगर जिनको बताया जाए तो शायद कम पड़ जाए आज का दिन। तो जब गोपिकाएं उनके पास जाती हैं तो उनकी माँ जो है यशोदा उनसे शिकायत करती है कि इस बच्चे ने, कान्हा जी ने हमारा जो बाटी उसका मक्खन जो है उसका मटकी का खा लिया। तो शिकायत करते करते जब कान्हा जी उनको देखते हैं तो बच्चे की नटखटता इसमें प्रदर्शित होती है। तो जब हमारे घरों में जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जब वो अपनी नटखटता वाली आवाज में, प्रेम वाली आवाज में अपनी माँ को समझाते हैं कि माँ मेरे को तो आप गाय चलाने के लिए भेज देते हो सुबह सुबह और शाम को मैं वापस घर लौटता हूँ, और मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, मेरा हाथ इतने ऊपर नहीं जाने का जो मैं इनकी मट्टी का मक्खन खा रहा हूं। तो अपनी बात छुपाते हुए उनको ये नहीं पता था कि जो बड़े हैं वो ये जानते हैं कि जो आपके जो मित्र हैं उनके कंधों पे चढ़ करके आप उनकी मट्टी का मक्खन खा जाते थे मतलब, और मुंह पे उनके मक्खन लगा होता था। तो अपनी आवाज में बताते हैं कि माँ मैं कहां मेरा हाथ इतना लंबा है कि मैं इनकी मट्टी का मक्खन खाऊं, और ये सब आपसे झूठ बतलाती है, ये सब आपको झूठ बोलती है, ये अफवाहें फैलाती है मेरे बारे में, मुझे बताओ मैं किस तरीके से इनको समझाऊं। तो माँ उनको देख करके, क्योंकि पता तो सारी बातें होती है कि कितना उन्होंने नटखटता करके, वो सारी बातें उनको पता होती है माँ यशोदा को, तो उनको गले से लगा लेती है। आगे जब उनको व्रज से मथुरा के लिए जाना था श्री कृष्ण जी को, आगे की बात करेंगे, तो गोपिकाएं बड़ी परेशान थी क्योंकि कृष्ण जी थे ऐसे के उनका जो प्रेम था वो पूरे ब्रज में फैला हुआ था, और एक दौर ऐसा माना जाता है, उसको युग ऐसा माना जाता है उनके प्रेम
युग को नाम दिया गया द्वापर युग। द्वापर युग पूरा बीत गया जो कि प्रेम का युग कहलाया जाता है। तो गोपिकाएं द्वारा से पहुंचती हैं उनके वियोग में, उनके वियोग में पहुंचती हैं। और एक गोपिका ऐसी होती है कि ज्यादा उनको वियोग होता है, उनके प्यार से लगाव होता है ज्यादा कृष्ण जी से। तो पहुंचती है उनके पास और अपनी बातें माँ यशोदा के सामने रखती हैं। सबसे पहले आमरण अनशन का उन्होंने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। विश्व का सबसे पहला अनशन आमरण अनशन का उन्होंने ऐलान किया और बोला कि एक युक्ति के माध्यम से मैं द्वारा पेश करूंगा, समझने की कोशिश करना सभी, कि राधिका जी हैं तो जी हैं सखी, ना तो हलाहल पिए नंद के द्वारे। यानी राधिका जी जो रस भानुजा जी है हमारी, उनको अगर कुछ होता है तो हम सभी जो गोपिकाएं हैं वो आपके नंद के द्वार पे विष मिलेंगे, यानी हलाल तो विष मिलेंगे। ऐसा एक युक्ति के माध्यम से उन्होंने पेश किया। तो कृष्ण जी के पास तक बात पहुंचती है, कृष्ण जी को भी पता होता है कि जो गोपिकाएं हैं वो मेरे वियोग में हैं। तो आगे बात बढ़ती है, उनके पास तक खबर पहुंचती है। तो जो मथुरा जी का एक तरफ तो प्रेम और एक तरफ कर्तव्य है, स्वाभिमान की नदी में दो पहलू निकल करके आते हैं। एक तरफ कर्तव्य यानी मथुरा का जो स्वराज उन्हें स्थापित करना था, दूसरी तरफ प्रेम जो कि बयान नहीं हो सकता। तो किशन जी फंस गए बीच में, अब कर्तव्य निभाना है, प्रेम भी करना है, सारे काम होंगे। तो उनके पास उनके उसमें साम्राज्य में जहां पर मथुरा में वो वास करते थे, साम्राज्य में उद्धव नाम से काफी योगी हुए, योगी बुद्धिमान, बहुत ही बुद्धिमान एक नाम के शख्स रहे उद्धव। तो उद्धव उनको समझाते रहते थे कि महाराज आपको प्रेम सिखाने वाले इस पूरे संसार में आप रचयिता है, आप प्रेम सिखाने वाले हैं, तो वो गोपिकाएं जो आपके लिए परेशान है कम से कम उनको ध्यान कर लेते। तो कृष्ण जी कहते हैं कि भाई जब तू इतना परेशान है, उद्धव जी जब इतने परेशान हो तो जाकर के तुम ही समझा लो, उन गोपिकाओं को तुम ही समझा लो। तो उद्धव जी कहते हैं बताइए कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। वो बोलते हैं कि जो बातें आप मुझे समझाते हो वो बातें जाकर के उन गोपियों को समझाओ, उन्हें समझाओ कि एक शरीर के लिए इतना पागल नहीं हुआ जाता, एक मन के लिए इतना पागल नहीं हुआ जाता। तो कहते हैं कि मैं समझा के आऊंगा, बहुत बुद्धिमानी थे। पहुंच जाते हैं मथुरा में, ब्रज में पहुंचने के बाद गोपिकाएं गोपिकाओं को चिट्ठी मिलती है कि आज ऐसे ऐसे उद्धव जी आ रहे हैं जो कृष्ण जी के खास मित्र थे। तो जो गोपिकाएं थी वो सभी उसका उनकी राह देख रही थी कि क्या उसमें चिट्ठी में लिखा हुआ है, क्या वो आकर के बताएंगे। तो जब उद्धव जी पहुंचते हैं तो वो उन्हें ध्यान रखते हैं, उन्हें सिखाने लगते हैं अपनी बुद्धिमानी के अनुसार। उन्हें बताते हैं कि सांस अंदर लो, बाहर छोड़ो और ऐसा नहीं करते, उस कुटी में भगवान रहते हैं और हर कुटी में भगवान है, आप सभी को अपने मन से मान करके चले। लेकिन गोपिकाएं कहां समझने वाली थी, गोपिकाओं को प्रेम था किशन जी, अब जब तक किशन जी नहीं मिलते तो कहां उनका प्रेम पूरा हो सकता था, यानी राधिका जी का। तो एक जो सखी है उनमें से वो उनका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि आप इतने बड़े रचयिता के पास जो प्यार की रचयिता है, एक तरीके से प्यार का रचयिता उन्हें कहा जाता है, इतने बड़े रचयिता के पास आप रहते हैं, आपने अब तक प्यार नहीं सीखा, आप हमें योग सिखाने की जगह वियोग सिखा रहे हो, वियोग बता रहे हो। तो उन्होंने शुरुआत की, जब वो अपने घर के लिए लौटे द्वारा से मथुरा के लिए लौटे तो उन्हें केवल प्रेम ही सीखने को मिला। और जाकर के उन्होंने कन्हैया जी से बोला कि आपकी जो राधिका है, प्रेमिका है, वो बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रेम की आपकी हो चुकी है और उनको आप ही चाहिए हो। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि भाई तुम सिखाने तो गए थे,
अब सीख के तुम कुछ हो रहा है तो प्रेम एक वो शब्द है हमें आपस में बनाना चाहिए, उस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए। ये बात केवल प्रेम की नहीं है, ये बात केवल कहानी की नहीं है, इन शब्दों के पीछे जो मैथ है उनको समझने की है। तो हम सभी को प्रेम करना आना चाहिए, आपको प्रेम सीखना चाहिए और प्रेम से ही ये सारा संसार चला हुआ है। इसी के साथ आप सभी को जन्माष्टमी की यानी कल आने वाली जो जन्माष्टमी है और आज भी जन्माष्टमी है, दो वक्त पड़े हुए हैं।